मैं रचना गुंदेला। आज मेरी शादी हुई। मेरे पति अजीत दयाल बहुत अच्छे इंसान हैं। अच्छा पति, प्यारा सा घर, दोस्तों के साथ खुशियां बांटना, एक लड़की को और क्या चाहिए। हम तो भूल ही गए ना आज हमारी शादी है। तुम्हारे आंसर ना मेरी लाइफ सेट हो गई है। पूछो कैसे? एक तो मुझे बेबी मिल गई, एक मुझे बेस्ट कुक और एक फ्री की सी है। हेलो, तुम्हें ना सिर्फ दीदी मिली, कुकिंग मैं अपनी मर्जी से करूंगी और रही बात सीए की, तो उसके मैं पूरे चार्जेस लूंगी। ओ, पूरे चार्जेस? आई लव यू। मम्मा, मुझे ना बहुत डर लग रहा है अकेले सोने में, मुझे प्लीज आपके साथ सोना है। क्या हुआ मीनू बेटा, तुम्हें कमरा अच्छा नहीं लगा तुम्हारा? वो एक्चुअली मीनू को अकेले सोने में डर लगता है, तो शायद इसलिए नए कमरे में डर रही होगी। तो कोई बात नहीं, मैं सुला देता हूँ, तुम तब तक रेस्ट करो, जाओ जाओ। चलो बेटा, आज पापा है ना मीनू को एक अच्छी सी सिंड्रेला की कहानी सुनाएंगे। देखो जी, मने लगे है भूमि के लिए यो लड़का चोखा से दहेज भी कोनी मांग रही हो है। पर परिवार के बारे में जानना चाहिए ना? और के जानना है? पांच पांच भैंस है, भट्टो सा घर है, मारी भूमि घणी ही खुश रहेगी वहां। बात तो करिए। सबका ख्याल रखियो, खास करके दामाद जी को। हैं?
ये रचना इतने ऊपर तक चढ़ी कैसे? ना कोई स्टूल है ना कोई चेयर, बेड भी वैसे दूर ही है। देखो अजित, हम तुम्हारी हालत समझ सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए कुछ सवाल पूछना जरूरी है। बोलिए मैम। सुसाइड की कोई वजह? मैम क्यों करेगी रचना सुसाइड? मेरी कल शादी हुई है उससे, इतनी खुश थी। नीडू है वो, रचना की बेटी। एक बात समझ में नहीं आई, तुमने तो कहा था कि तुम्हारी कल ही शादी हुई, और तुम्हारे सुहागरात वाले दिन तुम बच्ची के बेडरूम में सोए थे। मैम उसको अकेले सोने से डर लगता है, तो मैं उसको सुलाने गया था, लेकिन उसको सुलाते सुलाते मुझे पता नहीं कैसे नींद आ गई। मैम जब मैं सुबह उठा तो मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। रचना! कैसे, कोई सामान गायब हुआ है? नहीं मैम, मतलब मैंने चेक नहीं किया अभी तक। अजय, घर के फिर से एक बार ठीक से तलाशी लो। ओके मैम। संजय, यस मैम, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। ओके मैम। संजय, यस मैम, अजीत और बच्ची का ब्लड टेस्ट करवाओ। ब्लड टेस्ट मैम? बॉडी पे स्ट्रगल के मार्क्स हैं, या तो वो दोनों नशे में होंगे इसीलिए बाजू के कमरे में हुए स्ट्रगल के बारे में उन्हें पता नहीं चला, या फिर अजीत ने खुद अपनी नई नवेली दुल्हन को मार के लटका दिया। मैम बैकडोर पर फोर्स एंट्री के निशान है, मैंने फॉरेंसिक को इन्फॉर्म कर दिया। इसका मतलब बाहर से किसी ने आके ये काम किया? अजय, इस एरिया के सारे सीसीटीवी खंगाल, उन सारे लोगों से पूछताछ करो जो रात को अजीत के घर की तरफ आए। ओके मैम। कल ही शादी हुई और सुहागरात पे मर्डर, और हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। साहब, हमारी चोरी का कुछ पता चला? अभी नहीं धनीराम, और आप कब तक ऐसे थाने के चक्कर काटते रहोगे? जैसे हमें पता चलेगा हम आपको खबर कर देंगे। साहब 6 साल हो गए हमारी चोरी को गायब हुए, आप लोग ढूंढ नहीं पा रहे साहब। क्योंकि थारी चोरी खुद से भागी है, इतनी सी बात थारे समझ में ना आ रही से, इसलिए मैं तो कहूँ उसका इंतजार छोड़ दीजिए आप। हमारी चोरी मैंने छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती, कहीं नहीं भाग सकती साहब। साहब हमारी चोरी को ढूंढ लो साहब। मैडम, ये रचना सीए थी, अजीत के ऑफिस में ही काम करती थी तकरीबन 1.5 साल से। उसके बाद उन दोनों के बीच में अफेयर शुरू हो गया था। रचना करीब 3 साल पहले ही बीकानेर आई थी, उससे पहले वो कहाँ रहती थी, उसके परिवार में कौन कौन था, और उसकी पहली शादी किससे हुई थी, इसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। किसी को कुछ नहीं पता, स्ट्रेंज। और अजीत? मैम अजीत बीकानेर का रहने वाला है, उसकी पुश्तैनी कार्टन बनाने की फैक्ट्री है। ये अजीत और उसका बड़ा भाई धीरज दोनों मिलके ही बिजनेस चलाते थे, लेकिन करीब 8 महीने पहले दोनों ने अपना अपना बिजनेस अलग कर लिया। वो क्यों? वो हम पता कर रहे हैं। मैम रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके साथ बहुत मारपीट हुई। रचना का रेप हुआ था और फिर उसे मार के लटका दिया गया। एक औरत को मारना, पीटना और उसे लटका देना, ये सब एक आदमी का काम नहीं लगता, शायद एक से ज्यादा होंगे। मैम एक और चीज़ है, जिस तरह से रचना के साथ मारपीट हुई है उससे तो लगता है कि कोई रिवेंज एक्ट है। मेरे घर में चोरी भी हुई है, जो भी हमारे दोस्तों ने हमें गिफ्ट दिया था शादी पे, रचना की ज्वेलरी जो थी वो सब घर से गायब है। रचना के बारे में क्या बता सकते हैं? रचना का पूरा नाम रचना को लेछा था मैम, मुझे उसके पास के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ बातों बातों में रचना ने बहुत बार बताया था कि वो सिंगल चाइल्ड नहीं है। उसे भी पता था सिबलिंग राइवलरी के बारे में। मैं अज्यूम ये कर रहा था कि शायद उसका कोई भाई बहन होगा, लेकिन दिक्कत ये थी कि मैं जब भी उससे उसके पास के बारे में पूछता था वो डिस्टर्ब हो जाती थी मैम, तो मुझे लगा शायद मेरा पूछना ठीक नहीं रहेगा। 8 महीने पहले तुमने अपना बिजनेस अपने भाई से अलग कर लिया, कोई खास वजह? वजह तो थी मैम। अरे शर्म कर, एक तो मेरे भाई को फंसाया, अब कितने रंग दिखाएगी तू?
जबान संभाल के। मैं इस कंपनी की सीए होने के नाते यहाँ बात कर रही हूँ और इट ये क्लियर हो चुका है कि आप हर साल 10 से 12 लाख रुपए फेक अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं और उसका टैक्स भी पे नहीं होता है। अजीत, क्रिमिनल केस बन सकता है, इनके चक्कर में तुम जेल भी जा सकते हो। बेहतर होगा तुम अपना अकाउंट अलग कर लो। अजीत, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि और ठीक नहीं, पहले तुझे अपने प्रेम के जाल में फंसाया और अब हम दोनों भाइयों को अलग करना चाहती कि अकेले राज कर सके। बस भाई साहब, बस भाई साहब, मैंने डिसाइड कर लिया, मैं अगले हफ्ते लॉयर यहाँ बुलवा रहा हूँ। भाई साहब, अब हमारे बीच बंटवारा होना ही बेहतर है। अजीत, हाँ झगड़ा हुआ था और इसी वजह से हम दोनों भाइयों का बिजनेस भी अलग हो गया, लेकिन हमारे बीच प्यार कम नहीं हुआ। इसके बावजूद हम दोनों एक ही ऑफिस से काम किया करते थे। वो रचना जो चाहती थी उसमें सफल नहीं हो पाई। अगर इतना ही प्यार था दोनों भाइयों के बीच तो जब उसकी शादी हुई तो क्यों नहीं गए? कैसी शादी? एक डिवोर्स ही 8 साल की बच्ची की माँ के साथ रिश्ता जोड़ रहा था, इसे आप शादी कहते हैं? 12 अप्रैल की रात को कहाँ थे? अच्छा, आप मुझ पर शक कर रहे हैं। वैसे मैं अपने किसी काम से उदयपुर गया था, अगर आपको डिटेल्स चाहिए तो मैं मैसेज करूंगा। मेरी एक मीटिंग का टाइम हो रहा है, मैं जाऊं? आइए मैं कर देती हूँ। ठेकेदार ने चोरी, ये किसका है मासा? मारा है, और किसका होगा? पर ये तो नए जैसे लग रहे हैं मासा, आप ऐसे कपड़े? पर तू ठेके करके रही है, चल जाए अपने कमरे में। अरे आप आ गए, मैं चाय बना रहा। अरे चाय छोड़ तू, ये देख उपहार लाया सारे वास्ते, अच्छा लगेगा तुझे। देख मैं तू पहन के देख, सुंदर लग रही सच में, पसंद आया? चलना सोते। जी वो बुखार है आज। यार के नाटक है तेरा, ये बुखार है, ये सोना है मुझे। अरे छोड़िए, अरे चलना है, छोड़िए मुझे, मैं कह रही हूँ ना मेरी तबीयत ठीक नहीं, छोड़िए मुझे, छोड़ तो मुझे। तेरे के नाटक हो गया, तुझे खुश करने वास्ते मैं कोई कसर न छोड़ता। हमारे टाइम पे बुखार चढ़ता तुझे, समझ कर नाटक समझ कर, तू ऐसे नहीं मानेगी, तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी।
दामाद जी आज रुक जाइए ना। नहीं बाजी, फैक्ट्री में काम है, मैं दो दिन बाद आऊंगा भूमि को लेने वास्ते। आजा बेटा अंदर आ। अरे किसने किया बेटा बता ना। मानिक जी ने, माँ मुझे अच्छा नहीं लगता, वो जबरदस्ती करते हैं मेरे साथ। जबरदस्ती? ये देखो गला भी दबाते हैं मेरा। बैठ। मैं मना करती हूँ तो मारपीट करते हैं मेरे साथ। तुम मना क्यों करती है? शादी के बाद तो ये सब होता है, वो गुस्सा तो आएगा ही उनको। तेरी जिम्मेदारी है पति को खुश रखना। माँ मुझे दोबारा उस घर में नहीं जा। दिमाग खराब हो गया है तेरा? मैं दवा बना के लाती हूँ, सारे घाव भर जाएंगे, फिर राजी खुशी ससुराल वापस जा। तो याद रख वही घर है तेरा, तू तो बहू बन गई है, बेटी नहीं रही। रुक मैं दवा लाती हूँ। मैम, रचना की मेल आईडी पर प्रिया फॉर यू नाम की मेल आईडी से रेगुलर मेल्स आते थे और रचना भी उससे रेगुलर बातें करती थी। उस मेल आईडी को ट्रैक करो, हो सकता है रचना के कोई पुरानी दोस्त हो जो हमें उसके पास के बारे में बता सके। ओके मैम। चोरी के सामान के बारे में कोई अपडेट? अभी नहीं मैम, लेकिन हमने ज्वेलरी की फोटो सर्कुलेट करवा दी है, अगर गहने कहीं भी बिके तो हमें खबर मिल जाएगी और आसपास के इलाके के चोरों से भी पूछताछ चल रही है। हो सकता है कि ये मर्डर चोरी के लिए किया गया हो सकता है। वहाँ पे जाके चेक करो और अच्छी तरह से मुआयना करना। यजीत और मीनू की ब्लड रिपोर्ट, उनके ब्लड में बेहोशी की दवाई मिलाई गई थी। क्या इसका मतलब अजीत की आँख सच में नहीं खुली थी? जब मैं सुबह उठा तो मेरी आँख भी नहीं खुल रही थी। वो सच कह रहा है, वैसे इंसान तो वो अच्छा है, एक डिवोर्स से शादी कर ली, उसके बच्चे को अडॉप्ट कर लिया, लेकिन फिर अजीत को बेहोशी की दवाई पिलाई किसने? रचना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग उसके ब्लड में किसी भी ड्रग के ट्रेसेस नहीं मिले थे, तो फिर दो ही लोगों को फिर ड्रग किया गया। हो सकता है जिस चीज में ड्रग मिलाया हो उसे रचना ने खाया ही ना हो। सर, हम में से कोई ऐसा क्यों करेगा और कैसे करेगा? खाना भी बाहर से डिलीवर हुआ था और डायरेक्टली रचना ने डिलीवरी बॉय से खाना लिया और हम लोगों को सर्व किया, तो कोई और कैसे ड्रग मिला सकता है? उस दिन खाना खाने के बाद रात को तुम लोग कहाँ गए थे? हम सब अपने अपने घर चले गए थे सर। तुम सब लोग कॉन्टैक्ट में रहना, जब भी बुलाएंगे तो थाने आ जाना। जी सर। वैसे प्रॉब्लम सिर्फ धीरज सर को ही थी सर। वो हमें पता है। मैम, अजीत के चारों दोस्तों से बात की मैंने, हो सकता है कि उनमें से ही किसी ने ड्रग दिया हो, या मैम धीरज भी हो सकता है। धीरज ने बताया था कि वो उदयपुर गया था, लेकिन अभी तक उसकी एलिबाई नहीं मिली है, तो हो सकता है कि धीरज उदयपुर गया ही ना हो। लेकिन ड्रग दिया कैसे? हो सकता है किसी बाहर वाले का काम हो, रचना के पास में से भी कोई हो सकता है। हेलो, मैं बीकानेर थाने से एसआई अजय यादव बोल रहा हूँ। मुझे मीनू गुलेचा के ट्रांसफर सर्टिफिकेट चाहिए, आपके स्कूल रिकॉर्ड्स में चेक करिए, मिलेगा। मैं आपको डिटेल सेंड कर रहा हूँ, आप प्लीज मुझे मेल कर दीजिए। हेलो, विद्या भारती स्कूल। मैं बीकानेर थाने से एएसआई अजय यादव बोल रहा हूँ। आपके यहाँ एक स्टूडेंट थी मीनू सिन्हा नाम से, लगभग 3 साल पहले, फर्स्ट स्टैंडर्ड में होगी। मुझे उसकी एडमिशन फाइल से उसका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, प्लीज मुझे भेज दीजिए। इट्स अ मर्डर केस।
मैम ये मीनू का बर्थ सर्टिफिकेट उसके पुराने स्कूल से मिला। रचना का असली नाम पूजा वर्मा है और उसके हस्बैंड का नाम ब्रिजेश वर्मा, यही जोधपुर का रहने वाला। ब्रिजेश वर्मा और कुछ मिला? मैंने पूजा वर्मा का सोशल अकाउंट खंगाला तो वहां पर मुझे उसका भाई मिला, गौतम वर्मा। कॉन्टैक्ट किया है मैंने उसे, बुलाया भी है, आज शाम को आ जाएगा। गुड। पूजा ने क्या कुछ नहीं किया ब्रिजेश के लिए, अपनी नौकरी छोड़ दी, दिन रात घर में नौकरों की तरह काम करती थी, जैसे चार दीवारी में खुद को कैद कर लिया उसने। मुझे याद नहीं मैम कि पूजा ने कभी घर के बाहर कदम रखा, इसके बावजूद ब्रिजेश की शक करने की आदत हद से ज्यादा बढ़ गई। क्या करे उसके राशन वाला था, हिसाब करने आया था। पढ़ा लिखा तो मैं भी हूँ, मेरे साथ तो कोई हिसाब नहीं करता हूँ। कमरा भी साफ कर दिया। कुछ भी नहीं, क्या करी थी उसके, क्या करी थी उसके हर दिन मारता था, लेकिन हद तो तब हो गई जब उसने मीनू पर हाथ उठा दिया और ये बात पूजा को बर्दाश्त नहीं हुई और उसने घर छोड़ दिया। उसके बाद उसने कभी किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की, यहां तक कि मुझसे भी नहीं, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ब्रिजेश मेरे जरिए उस तक ना पहुंच जाए। क्या तुम्हें यकीन है कि ब्रिजेश को इस बात का पता नहीं है कि पूजा यहाँ बीकानेर में रहती है? जहां तक मैं समझता हूँ नहीं पता था। ठीक है, सीसीटीवी में कुछ मिला? नहीं मैम, अभी हम सर्च कर रहे हैं। चोरी के एंगल में कुछ? वहां भी कुछ खास हाथ नहीं लगा। पर्सनल एंगल में कुछ खास हाथ नहीं लग रहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ये किसी बाहर वाले का काम है और हम गुमराह हो रहे हैं? एक मेल आईडी के सर्वर का एड्रेस है मेरे पास, मुझे उस एड्रेस के ओनर का नाम और बाकी डिटेल्स चाहिए। मैम, मैंने ब्रिजेश के मूवमेंट्स को ट्रैक किया, वो 10 अप्रैल को यहाँ बीकानेर आया था। क्या? मैडम, प्रिया फॉर यू मेल आईडी का आईपी एड्रेस ब्रिजेश के घर का है। इसका मतलब प्रिया फॉर यू ब्रिजेश है, अब ब्रिजेश गायब है। कुछ नहीं होता, मैं पेट से हूँ, मुझे कुछ नहीं होता। बहुत नाटक हो गए तेरा, मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। यार बंद करना यार, रोना, नींद खराब हो रही है, बंद कर। ऐसे कैसे ले जाओगे आप मीनू को? लीगली अडॉप्ट किया मैंने उसको, फादर हूं मैं उसका। फादर नहीं, स्टेप फादर हैं आप, और ये अडॉप्शन कोई मायने नहीं रखता क्योंकि पूजा और रचना अपनी इच्छा से घर छोड़कर भागी थी, उसने ब्रिजेश से कोई तलाक नहीं लिया, तो आपकी शादी भी इलीगल है और ये अडॉप्शन भी। बाय द वे मैं एक लॉयर हूँ, लीगल। तो फिर एक काम करो, लीगली कोर्ट में जाओ और कस्टडी लो, तब तक मीनू मेरे पास ही रहेगी, ठीक है? निकलो यहाँ से। या तो आप समझ नहीं रहे या समझने की कोशिश नहीं कर रहे। पूजा रचना ने अपनी सारी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी मीनू के नाम कर दी है और मीनू की एब्सेंस में उसकी प्रॉपर्टी का केयर टेकर ब्रिजेश होगा, मैं इसका ब्लड रिलेटिव हूँ, अगर ये मेरे पास रहेगी तो ब्रिजेश इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता, समझ गए आप? समझ गया, और सारी प्रॉपर्टी आ जाएगी तेरे पास, देखो समझा मुझको, निकल यहाँ से। देखो देखो अजीत, निकल, बोला ना निकल। हेलो धनीराम, 6 साल पहले तेरी बेटी के साथ क्या होया था? अगर जानना है तो बिहू गांव आ जाए। थारी छोरी खुद से भागी है। मारी छोरी मने छोड़ के कहीं नहीं भाग सकती। क्यों मना करे छोरी, पति है वो थारा, कोई गैर मर्द को नहीं, माणिक जो थारे साथ करे है वाको जबरदस्ती नहीं कहते, ब्याह हुआ है थारा उसके साथ, यूं मारे साथ भी हुआ था, थारी माँ के साथ भी हुआ होगा, और जो थारे पेट में बच्चा है जब वह छोरी हुई तो वह के साथ भी होगा। मैंने हल्दी का लेप ला दिया है, तू बराम कर।
और जो थारे पेट में बच्चा है जब अछोरी हुई तो वह के साथ भी होगा। पति अगर जबरदस्ती करता है तो अगर आपका हस्बैंड आपके साथ जबरदस्ती करता है तो उसे भी रेप कहते हैं। आपकी शादीशुदा जिंदगी में भी ऐसा होता है? आपके मना करने के बावजूद आपके साथ जबरदस्ती की जाती है? क्या इस दौरान आपको मारा पीटा भी जाता है? अगर आपका जवाब हाँ है तो मैं आपको बता दूं, ये रेप कहलाता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे अभी तक क्रिमिनलाइज नहीं किया है, पर हम हैं आपके मदद के लिए। कोई भी कदम उठाने से पहले एक बार हमसे जरूर बात करें। अगर ऐसे होता है तो क्या करना चाहिए? अजीत के इलाके का सीसीटीवी खंगाल रहा था, तो वहां ये क्राइम वाली रात अजीत के घर के पास बैठा था। ठीक है, ये उस दिन अजीत के घर के बाहर भी था ना? जी मैम। उठाओ इसे। ओके मैम। रचना को जानते हो? ये रचना है। ये मैम सबको तो मैं जानता हूँ। 12 अप्रैल की रात को उसकी घर की तरफ क्यों गए थे? जो रोड ये बता रहा है ना, वो तो सीसीटीवी में कैप्चर ही नहीं होता है। उस आदमी को पहचान सकते हो क्या? मीनू, मीनू कहाँ चली गई? मीनू, सर अच्छा हो सर आप लोग आके। सर मेरी बेटी मीनू को किसने किडनैप कर लिया सर, प्लीज कुछ करिए, बहुत हो गया तेरा नाटक, अभी चल। सर मैंने क्या किया सर? एक सेकंड, मैंने किया क्या सर? लेकिन सर पर धनीराम वो देखो, उन्हें पता सच्चाई क्या है। बता, मारी छोरी कटे है। कौन थारी छोरी? मारी पायल, पायल कटे है। क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी में बैठो। अनफॉर्चुनेटली मैरिटल रेप यानी पति के द्वारा की गई जबरदस्ती को रेप नहीं कहा जाता, और हमारे देश में इसके खिलाफ कोई कानून भी नहीं है। हाँ लेकिन ये फोटोज और तुम्हारे हाथ की मेडिकल रिपोर्ट
इसके बेसिस पे हम डोमेस्टिक वायलेंस का केस रजिस्टर कर सकते हैं। क्या हुआ, कुछ और कहना चाहती हो? वो शायद शादी वाली रात मेरे कमरे में कोई और आया था। क्या? देखो, अब इस बात को साबित तो नहीं कर सकते, लेकिन शायद किसी के कन्फेशन में कुछ मिल जाए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल तुम प्लीज हॉस्पिटल चली जाओ। माधुरी, तुम्हें देख के अच्छा लगता है कि तुम ऐसी औरतों की मदद कर रहे हो। मैं तो सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, अपना फर्ज निभा रहा हूँ। भूमि, क्या हुआ तुम्हें? गाड़ी में बैठो। वैसे कल बेल की हियरिंग थी ना? हाँ, कोर्ट ने कैंसिल कर दिया। रिजेक्ट तो करना ही था, कमीने को बेल नहीं मिली। गुड, थैंक यू। जब गौतम मीनू से मिलने गया था ना, उसे तभी कुछ अजीब लगा था। मीनू ने बताया हमें तूने उसे कितना डरा के रखा था, उस छोटी सी बच्ची का भी। मेरे को मारने से क्या हुआ? ये सब उस रचना की वजह से हुआ। अगर वो उस दिन वो नाटक ना करती ना, तो आज जिंदा होती वो। रचना, रचना, मीनू सो गई। सो गई? हाँ, चलो शुरू करें। अजीत, ये क्या कर? मुझे अच्छा लगता है ऐसी। अजीत छोड़। अरे इसको तो प्यार बोलती है। अजीत क्या हुआ? अजीत, अजीत छोड़ो मुझे। मुझे धक्का मारेगी? शादी से पहले भी नखरे करती थी ना तू। सो रही है, मैंने उसे खाने में नींद की गोली दी थी। तू जल्दी कर, जल्दी आ। थैंक्स कोच, ये ले पैसे पकड़। जब भी पुलिस तुझसे पूछताछ करे ना, तो धीरज भाई की तरफ ध्यान मोड़ देना। ओके सर। जाते जाते पीछे वाले दरवाजे का लॉक तोड़ दे। अच्छा ठीक है सर, चलो जल्दी। और अगर वो जिंदा होती तो मुझे उस मीनू के पास जाना ही ना पड़ता। शर्मी अभी एक बार फिर से सोच ले भूमि। पति पत्नी की कमरे की बातें कोर्ट के सामने लाना ऊंचों की बात ना है। बदनाम हो जाएगी, घर टूटेगा सो अलग। पापा ने सबरी सुननी पड़ी। केस नंबर 423/2021 अंडर आईपीसी 498A स्टेट वर्सेस मानिक सिंह एंड अदर्स। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, अब ये अगर इतना बनठन के रहेगी तो इसका क्या मतलब हो? इसका तो यही मतलब हो ना कि मैं इसके पास जाऊं। जब इसके पास जाता था तो ये नाटक करती थी। जज साहब, मैं बुरा आदमी कौन? जो कुछ भी करता हूँ अपनी पत्नी के साथ करता हूँ, किसी पराई औरत की तरफ देखता तक नहीं। भूमि, तुम अदालत को बताओ कि तुम ऐसे कपड़े क्यों पहनती थी? वो माँ ने समझाया था। अब ब्याह हो गया है तेरा, और थोड़ा बनठन के रहा कर, सबको खुश रखना। चलो ठीक है भूमि, अब बताओ कि एग्जैक्टली तुम्हारे साथ क्या क्या हुआ था। बंद कमरे में मेरे क्लाइंट मानिक, जो तुम्हारे पति भी है, क्या वो कमरे में आते ही साथ तुम्हारे कपड़े उतार देते थे या सीधा तुम्हें मारपीट किया करते थे? ऐसा क्या करते थे तुम्हारे साथ जिसे तुम रेप बता रही हो? जवाब दो भूमि, बोलो भूमि, जवाब दो। Your Honor, no offense has been committed here. यहाँ कोई जुल्म हुआ ही नहीं है। अगर कोई जुल्म हुआ है तो ये बताओ कि वो तुम्हें कहाँ हाथ लगाता था? I object, Your Honor. मेरे क्लाइंट को हरास किया जा रहा है। और पब्लिकली मेरे क्लाइंट की इज्जत उतार जा रही है, उसका क्या? और बंद कमरे में मेरे क्लाइंट के साथ जो हुआ उसे रेप कहते हैं मैडम, और आपको इस आदमी की इज्जत की पड़ी हुई है? Your Honor, मेरे क्लाइंट के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं हुए? अगर रेप हुआ है तो बताइए ना किस तरीके से हुआ, कैसे हुआ आपका रेप, कपड़े उतारे गए या नहीं? ये सब कुछ तुम पैसे के लिए कर रही हो ना? जवाब दो। कुछ नहीं हुआ था मेरे साथ, कुछ नहीं किया मालिक जी ने मेरे साथ, कुछ नहीं किया था। भूमि, ये तुम क्या कह रही हो? मैम, मुझे वो एड्रेस मिल गया है जो आपने निकालने के लिए कहा था। गुड,
उसे पूछताछ करो। अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली हियरिंग में केस खत्म। हमें कुछ तो कॉन्क्रीट मिलना ही चाहिए। बता, सुहागरात को भूमि का रेप किसने किया था? मैडम, हमारी सुहागरात थी तो कमरे में मैं ही गया था, पर हमारे जाने से पहले बापू ने बेहोशी की दवा दी थी उसे। ताकि तेरी जानवरों जैसी हरकतों का भूमि को पता ना चले। लेकिन वो तो तू उसके बाद भी कर रहा था। मुझे ये शादी नहीं करनी, मुझे इंजीनियर बनना है। ज्यादा पढ़ लिख जाओगी ना तो ब्याह नहीं होगा थारा। एक छोरे का रिश्ता आया है चौखा से और दहेज भी नहीं मांग रहे वो लोग। हाँ भाजी। लेकिन योर ऑनर, हमारे इन्वेस्टिगेशन में हमें पता चला कि मानिक सिंह और उसकी फैमिली अभी 5 साल पहले ही बीकानेर में शिफ्ट हुए। इससे पहले वो बाड़मेर के किसी गांव में रहा करते थे और वहीं के एक आदमी के लड़की के साथ, जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी, मानिक की शादी करवा दी गई। और शादी के बाद वो लड़की गायब हो गई और इन्होंने लोकल पुलिस से ये कह दिया कि वो घर छोड़कर भाग गई। योना, ये पायल की मिसिंग कंप्लेंट है जो कि उसके पिता धनीराम जी ने दर्ज कराई थी, जो कि इस समय अदालत में मौजूद है। लेकिन उससे पहले मेरी विटनेस गंगा देवी को यहाँ बुलाने की इजाजत चाहूंगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। दाइम, हमारे बच्चे को बचाओ, 3 गुना पैसा दूंगा। तुम लोग सब बाहर निकलो। अरे दाइम, हमारा बच्चा। सब बाहर निकलो, जाओ। अरे छोरी छोरी, थोड़ा जोर लगा, और थोड़ी देर, और थोड़ी, तू चिंता ना कर, मैं आई हूँ ना, सब ठीक होएगा। भैया लोग बहुत करते हैं, इन लोगों ने मुझे 1 साल से बंद करके रखा है। मेरे बाप ने सर मिलने नहीं दिया, मुझे मदद करो दाई माँ। अभी थोड़ी देर पहले ही मानिक जी ने मेरे साथ जबरदस्ती की। दाई माँ मुझे बचा लीजिए। दाई माँ सब ठीक हो जाएगा, बस थोड़ी देर और। जोर लगा तो क्या, जोर लगा। बच्चा भी मरा हो पैदा हो। Your Honor, this is also a murder case. हो सकता है, पर ये केस नंबर 423/2021 का आर्गुमेंट है। She is right. आपको इसी केस के लिए आर्ग्यू करना चाहिए। Okay, sir. Your Honor, ये भूमि के चेहरे पर चोट के निशान सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उसने अपने पति के साथ हमबिस्तर होने से मना कर दिया। कितने शर्म की बात है। योनर, घर से भागकर दुनिया से लड़ने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है और अक्सर मैरिटल रेप केस के विक्टिम्स में इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो अपनी बात कोर्ट के सामने रख सके। आज अगर भूमि ने कोर्ट के सामने अपनी बात नहीं कही तो इसके जैसी हजारों लाखों करोड़ों महिलाएं जो कि देश के कोने कोने में, शहर से लेकर गाँव तक, हर दिन मैरिटल रेप की शिकार होती हैं। भूमि, मैं चाहूंगा तुम आज इस कोर्ट में अपने दिल की हर वो बात रखो, पूरी हिम्मत और पूरी ईमानदारी के साथ। उठो। ये आदमी रोज मेरा रेप करता था, मना करने पे मारपीट करता था, 104 बुखार में भी, और जब मैं पेट से थी तब भी घसीट कर ले जाता था। मैडम, आप पूछ रही थी ना कि पहले मारता था या कपड़े उतारता था, मैं बताती हूँ, पहले मारता था फिर कपड़े उतारता था फिर रेप करता था, एक बार नहीं, दो बार नहीं, रोज करता था। अब रेप कैसे करता था ये भी मैं बताऊं? Your Honor, मैं अदालत से गुजारिश करूंगा कि आज का फैसला केवल भूमि के पक्ष में नहीं बल्कि उन हजारों लाखों करोड़ों औरतों के पक्ष में होना चाहिए। That's all, Your Honor. हमारे समाज का ये काला सच है, जहां औरतों के साथ
अलग अलग तरीके से बर्बरता होती है, कभी घर के बाहर तो कभी भूमि जैसे घर के अंदर जहां उसके पति के द्वारा। हमारे देश में मैरिटल रेप के लिए अभी कोई कानून नहीं बना, इसलिए ये अदालत मानिक सिंह, जगत सिंह, चेतन सिंह और गायत्री सिंह को भूमि पर अत्याचार करने के जुर्म में और डोमेस्टिक वायलेंस के लिए दोषी मानती है और इन्हें 3-3 साल की सजा देती है। इसलिए ये कोर्ट पुलिस डिपार्टमेंट को ऑर्डर देती है कि पायल कुमारी मर्डर केस को रीओपन करे और उसकी चार्जशीट 30 दिनों के अंदर फाइल करे। द कोर्ट इज अर्जेंट फॉर द डे। पायल को माफी दे दे बेटा, तू जब पहली बार घर आई थी अगर तेरी बात सुन लेती, या भी तेरे बाबूजी ने कहा था कि अच्छे से परिवार को जान लो, तब भी अगर मैं उनको करने देती तो शायद ये दिन नहीं देखने पड़ते। मैम अब बस पायल के केस को रीओपन करके जल्द से जल्द उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तब तक तो कई लोग जेल में सड़ेंगे। मैम एक्चुअली मुझे तो डर लग रहा था कि पता नहीं भूमि कोर्ट में स्टेटमेंट देगी भी या नहीं, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई। दरअसल ऐसी हिम्मत हर उस औरत ने दिखानी चाहिए जो घरेलू हिंसा का शिकार बनी है। पति ने थप्पड़ मार दिया, गाली दी या फिर जबरदस्ती की, ये बात हमारे देश में बहुत ही आम है जो हर तीसरे घर में होती है। 99% लोग तो इसे इग्नोर करते हैं। इसे शादीशुदा जिंदगी का हिस्सा माना जाता है। कईयों को तो ये पता भी नहीं है कि इसे क्राइम माना जाता है। इसके खिलाफ तुरंत आवाज उठाना जरूरी है, नजदीकी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करना जरूरी है। अगर ऐसा हुआ तो ही हम बंद कमरे में होने वाले क्राइम को रोक सकते हैं, सही मायने में महिला सशक्तिकरण की ओर बढ़ सकते हैं। क्राइम पेट्रोल के ऐसे ही मजेदार एपिसोड्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।